हेलो दोस्तों, राधे राधे। और कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। और आज दिन है मंडे और मैंने अपना व्लॉग अब से स्टार्ट किया है क्योंकि आज मैंने सुबह से कुछ किया नहीं था। बच्चे भी आज स्कूल नहीं गए थे और बच्चों के पापा की आज छुट्टी है क्योंकि उनकी मंडे के दिन छुट्टी रहती है, तो वो बच्चों को लेकर गए हैं डॉक्टर के यहाँ पे। क्योंकि निहाल को ना काफ़ी दिन से, करीब 1-1.5 महीने से ना उसको बहुत ज़्यादा खांसी हो रही थी। तो खांसी उसकी ठीक नहीं हो रही थी, काफ़ी दवाई दिलाने के बाद भी ठीक होती थी लेकिन फिर हो जाती थी, पता नहीं क्या हो रहा था। तो इसलिए आज वो लेके गए हैं उसे डॉक्टर के यहाँ पे और 11:30 बज चुके हैं लेकिन वो अभी आए नहीं है और सुबह नाश्ता करके ही चले गए थे। और आज दिन बहुत अच्छा हो रहा है, धूप निकल रही है और ये देखिए आज मैंने साड़ी पहन ली है। बताइएगा ज़रूर कैसी लग रही है साड़ी क्योंकि मैं कभी कभी पहनती हूँ ना, मेरा मन नहीं करता पहनने का, इसलिए आज मेरा मन था कि साड़ी पहन लूँ मैं क्योंकि आज दिन बहुत अच्छा हो रहा था, धूप निकली हुई थी बहुत अच्छी, तो मैंने पहन ली है। और बच्चे डॉक्टर के यहाँ से लेट आएंगे, पता नहीं डॉक्टर क्या बताएंगे क्या नहीं, वो तो मैं आके ही बताऊँगी, बच्चों के आने के बाद पता चलेगा कि डॉक्टर ने क्या बोला है। तो वीडियो में बने रहिए एंड तक और देखिए क्या बताया है निहाल को डॉक्टर ने। ये देखिए दोस्तों, बच्चे आ गए हैं डॉक्टर के यहाँ से और निहाल बहुत सारी सुई लगवा के आया है, तो बोल रहा है हाथ भी दर्द कर रहा है। देखिए क्या लाया अपने लिए, खाने के लिए क्या लाया दिखा आपको। ये देखिए निहाल स्ट्रॉबेरी लेके आया है अपने लिए, आप क्यों बंद कर रहा है। और दवाई बहुत सारी आ गई है, क्या बताया डॉक्टर ने कुछ मैंने बताया, टेस्ट करवा के आ गया बहुत सारा। अब देखते हैं रिपोर्ट करवाएंगे परसों, रिपोर्ट इसकी परसों आएगी तो देखिए क्या होगा। और अब मैं खाना बना देती हूँ बच्चों के लिए और बच्चे चाट लेकर आए हैं और मैं रोटी सेक रही हूँ उनके लिए। ये देखिए दोस्तों, बच्चे आज लेके आए हैं छोले कुलचे और ये देखिए कैसे खा रहा बैठ के, मजे ले रहे हो छोले और कुलचों का। हाथ क्यों अड़ा रहा, कोई ठा के ले जाकर के। ये देखिए आदि लगा पड़ा है और अब हम भी खा लेते हैं। और नियाल ने कुलचे नहीं खाए हैं क्योंकि उसका परहेज चलेगा आज से ही। और मैं अब यहाँ बाहर बैठ के धो रही हूँ सब्जी क्योंकि मैं सब्जी बाहर ही धोती हूँ, बाहर ना आराम से बैठ के धुल जाती है और अंदर सिंक में ना सब्जी धोने में थोड़ी दिक्कत होती है, कपड़े भी गीले हो जाते हैं और खड़े खड़े धोने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, इसलिए मैं बाहर ही बैठ के धोती हूँ, बाहर अच्छे से बैठ के धुल जाती है सारी सब्जियाँ। ये चक्कू इन्होंने इतना पन्ना ला के दे दिया आपके, इसे रोज हाथ कटे है मेरा और अगर ध्यान ना रखू ना तो आज दिन हाथ साफ कर देगा कति, जिस दिन भी ध्यान से हट गया ना जरा सा भी ध्यान बटा गया उस दिन ही हाथ साफ है, इतना तेज चला है वो पूछो हाथ ना। देखिए 3 दिन से चला रही, 3 दिन से रोज हाथ में लग रहा है। और अब मैं बना रही हूँ आलू के पराठे, ये देखिए प्याज छील रही हूँ मैं क्योंकि निहाल की फरमाइश है आज के आलू के पराठे बना दो, वैसे तो सुबह ही बनाने थे मुझे लेकिन सुबह निहाल डॉक्टर का चला गया था जल्दी, इस वजह से नहीं बन पाए थे, इसलिए मैं अब बना रही हूँ। और ये देखिए इतना पन्ना चक्कू, सच में देख के भी डर लगा है मुझे तो ऐसा, कल सब्जी काट रही थी कल भी हाथ में लग गया, रोज इतना तेज चला है वो पूछो मत ना। और ये है, ये चलता ही नहीं कतई भी, इसलिए ये मंगाया था, ये इतना तेज चला है हिसाब से ज़्यादा। और इधर हमने आलू रख दिया है उबलने के लिए और दूध भी रख दिया है, दूध भी गर्म हो जाएगा। और आज ना निहाल थोड़ी थकान सी मान रहा है क्योंकि उसके काफ़ी सारे टेस्ट हुए हैं तो बार बार खून निकला है, हाथ में सुई लगी है, इसलिए ऐसा लग रहा है जैसे थक गया बहुत ज़्यादा, जैसे बीमार है काफ़ी दिन से, बहुत ज़्यादा हरा हरा सा लग रहा है। और अब सोने की सोच रहा था तो मैं उठा के आई हूँ, ये दिन छिपे ही सो जाता, मैं खाना बना दूँ फटाफट तब सो जाइए। और मैं प्याज काट लूँ, अब प्याज काट तो दिए लेकिन मुझे लग रहा डर अभी बहुत ही तेज चला है चक्कू। इसके पापा तो मैं कह रहे थे फेंक दे इसे जब इतना तेज चला है, नहीं तो हाथ साफ कर देगा किसी दिन तेरा। मैंने कहा कोई बात नहीं, वो भी देखा जाऊगा साफ होएगा नहीं होगा, पर वास्तव में इतनी तेज चल रहा है साफ ही कर देगा, कल भी उंगली कटी है वाली और से ये वाला अंगूठा कटा, 3 दिन से रोज कट रहा,
बहुत ध्यान से करना पड़ा है काम। और गैस पे आलू उबलने के लिए रखे हुए हैं और बच्चे भी टीवी चला के टीवी देख रहे हैं। थोड़ा थक गए आज बच्चे, बहुत लेट आए थे ना, दोपहर 2:30 बजे आए थे। हॉस्पिटल में तो ऐसे ही थक जाते हैं जाके बच्चे, लेकिन आज और ज़्यादा थक गया कुछ। ये देखिए दोस्तों, हमने पराठे बनाने स्टार्ट कर दिए हैं और बच्चों के लिए चाय बना दी है। ये देखिए गर्मा गर्म पराठे हैं और बच्चे चाय के साथ खाएंगे और हम दही के साथ खाएंगे, क्योंकि बच्चों को खांसी हो रही है तो बच्चे चाय से ही लेंगे। और आइए पराठे खाइए, देखिए गर्मा गर्म पराठे तैयार हैं। ये देखिए और बच्चे वेट कर रहे हैं हमारा, बोल रहे हैं कि बहुत टाइम हो गया, पता नहीं खाना कब बनेगा। और आदि के पापा खाना देने जा रहे हैं बच्चों को चाय के साथ, बच्चे लेंगे पराठे। और हमारा कोई टाइम नहीं, चाहे सुबह हो शाम, जब पराठे खाने हैं तो खाने हैं। हम ये नहीं देखते कि आज ही सुबह मैं नाश्ते में पराठे ले रहे, हम तो शाम को भी ले लें बस शाम के टाइम में, ऐसे है हम तो। और बस आज पराठे बना के दे रही हूँ, फिर कल से निहाल परहेज का खाना खाएगा, इसलिए उसके चला लिया। खाना बनाया। अंदर चल, अंदर चल। ये देखिए, दिखाता तू, ये देखिए। और इस वीडियो का मैं यहीं पे एंड करती हूँ। पसंद आए तो लाइक कर देना और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।